हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग करेंगे क्लास फोर्थ की जीके की बुक द वर्ल्ड अराउंड मी का पेज नंबर 14। तो आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉल ऑफ दिल्ली चलो वाज मेड बाय, यानी कि दिल्ली चलो का नारा जो है उसे किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा कब दिया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तभी सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुभाष चंद्र बोस सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित कर रहे थे और तभी इन्होंने इस नारा को दिया था। उस दिन 5 जुलाई 1943 का समय था, यानी कि 5 जुलाई 1943 था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने और भी बहुत फेमस नारा दिया है, जैसे कि जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, यानी कि 23 जनवरी 1897। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड, यानी कि सत्य और अहिंसा मेरे भगवान हैं। ये नारा किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में बता दूं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 यानी 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारा था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया है, ये नारा किसने दिया है? इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। अब सवाल ये है कि इन्होंने ये नारा कब दिया था। तो जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था तो उस वक्त के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर यानी कि उस समय के प्रेजेंट प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने ही ये नारा दिया था। इसी नारा को राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता दूं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद रशिया में हुआ। ये हमारे देश भारत के सेकंड प्रधानमंत्री थे, यानी कि दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री के रूप में 18 महीने तक ही रह पाए थे। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि मुगल सराय का नाम बदल गया है, उसका नया नाम अब क्या है। 2 अक्टूबर को एक और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन है। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर होगा इसैक न्यूटन। ये एक लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन जो हैं वो 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। इसके अलावा फिजिक्स के इन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूरेका यूरेका, ये किसका एक्सप्रेशन है? इसका आंसर होगा आर्किमिडीज। इनका जन्म सिसिली में हुआ था जो कि इटली में है। प्राचीन ग्रीस के ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन और इन्वेंटर हैं। इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स दिया है, जो भी सिद्धांत दिए हैं, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब है क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इसे किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर थे। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता था। लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेवरदलेस इट मूव्स, फिर भी चलती है, ये किसने कहा था? इसे कहा था गैलीलियो ने। इनके बारे में बता दूं कि ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर हैं, यानी कि खगोल शास्त्री हैं, और फिजिसिस्ट भी हैं, यानी भौतिक विज्ञानी हैं। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, साइंटिफिक मेथड और मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है, और इनकी शिक्षा पीसा यूनिवर्सिटी में हुई। अब है क्वेश्चन नंबर 8। आई केम, आई सॉ, आई कंक्वर्ड, ये किसने कहा था? मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता, ये जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है। जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य के थे। एक षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या की गई थी। इनके हत्यारे में ब्रूटस का नाम आता है, और इनकी मृत्यु के बाद सीजर के भतीजे अगस्तस यानी ऑक्टेवियन जो हैं उन्हें गद्दी पर बैठना था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। इसे जॉन किट्स ने कहा था। इनका जन्म लंदन में हुआ और ये बहुत फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। ओडे टू ए नाइटेंगल, स्लीप एंड पोएट्री ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, इन सभी को भी जॉन किट्स ने ही लिखा है। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लेट अ 100 फ्लावर्स ब्लूम, 100 फूल खिलने दो, ये किनकी स्टेटमेंट है? ये माओ से तुंग की स्टेटमेंट है। ये चीनी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे, इन्हें माओ के अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ये फादर ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC भी हैं। इन्होंने चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को 1949 यानी 1949 से 1976 यानी 1976 तक रूल किया। यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। अब ये लास्ट में डिड यू नो देख लेते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, लेकिन इसे सबसे पहले किसने कहा था कोई भी नहीं जानता है। यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड कमेंट, इट गिव्स अस मोटिवेशन।